एप्लीकेशन माइलॉट। जी लास्ट टाइम माइलॉट कॉल्ड द आईओ इन दिस केस माइलॉट, ये वो सीडी वाला मामला है माइलॉट। क्या सीडी वाला? अच्छा वो समझ याद आ गया, जो बैंक वाले जो थे एटीएम वाले जो थे। नो, दिस इज द माइलॉट 302 माइलॉट। अच्छा माइलॉट ओनली 2 पर्सन staying in the CD, my lord. The police has made 7 accused in this case. I made the accused on the basis of the memorandum. शुरुआत कर रहे हैं एक सफ़र की, फिर ये कहा जाता है कि सात तो जो उनके साथ गया तो लास्ट सीन एविडेंस है वो तो इम्प्लिसिट हो गई, पर इसमें पुलिस के द्वारा 7-8 और लोगों को 5-7 लोगों को दोषी बनाया जाता है, पर उसके लिए जो पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से होना चाहिए, उसका अभाव होता है। तो इसमें पिछली सुनवाई में जज साहब ने बुलवा लिया था आईओ साहब को, अब वो एक्सप्लेन करेंगे। आप देखिएगा इनमें तरह तरह की खामियां नज़र आएंगी, जज साहब उसको उजागर करेंगे। और ये व्यक्ति विशेष का मामला बिल्कुल नहीं है, ये पूरे व्यवस्था को ठीक करने, उसको व्यवस्थित करने की बात है। चलिए देखिए, इसमें घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि 6 तारीख में सुबह 10 बजे डायल 100 को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है जांगिया, उसको लेके अस्पताल में गए थे। उसके बाद शाम तक उसकी पहचान हुई 6 तारीख में, 6/11/2021 अतुल तिवारी के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। उसके बाद सर उसके बॉडी पे चोट वोट के निशान थे काफी, तो उसके अज्ञात में 302 का सर अपराध पंजीबद्ध हुआ। उसके बाद सर उसी दिन सीसीटीवी पूरे शहर के सीसीटीवी चेक किए तो घंटाघर जो पठानी मस्जिद एक है वहां पे सीसीटीवी में एक एक्टिवा पे रात को 11 बजे के समथिंग वो जो व्यक्ति मृतक है वो पीछे बैठा हुआ है लाल कलर की स्कूटी पे, आगे एक तरुण पटेल है वो गाड़ी चल, वो सीसीटीवी में दिखा। उसके आधार पर उसकी शनाख्तगी की गई और उसके बाद फिर आगे जो सीसीटीवी चेक किए तो एक महाकाली वहीं के पास में महाकाली तो वहां पर वो 6-7 लोग करीब मतलब वहां पे उनका झगड़ा टाइप का हो रहा है, दारू पिए हुए इधर उधर वो हो रहा है सर। तो उसमें वहां पर भी 2 लोग जो निकले हैं बाद में उन मतलब जो साक्षी मिले उन्होंने पहचान किए और मतलब इनके मेमोरेंडम पे जो 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 सवाल है वो ये है कि सीसीटीवी में जो आपने 6-7 लोग देखे महाकाली पर, उनकी शिनाख्ती कराई आपने कि आपको आपको भी अन्य लोगों की तरह इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता? माइलॉर्ड वो माइलॉर्ड नहीं, जो सवाल है उसका डायरेक्ट उत्तर दीजिए। यू कैन कॉल मी बाय नेम बट आंसर शुड बी प्रिसाइज। आप तो 3 सितारे हैं, इतनी तो अंग्रेजी समझते होंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊं क्या, अनुवाद करके? शनाख्त ही नहीं करते जी, शनाख्त ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसमें सीसीटीवी में एक तो फुटेज क्लियर नहीं थे और रात को 12 बजे के दूर का सीसीटीवी है, इसलिए केवल मतलब काफी धुंधले टाइप के। अच्छा फिर इनको कैसे बनाया एक्यूज आपने? मेमोरेंडम क्या? मेमोरेंडम तो आप स्वयं खींचते हैं, सीसीटीवी फुटेज पेश किया है आपने अपने इन्वेस्टिगेशन के साथ में जी। दिखाइए, चलिए लगवाइए सीसीटीवी फुटेज, लगाइए देखें कितना धुंधला है या कितना धुंधला बना दिया गया है। आप इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां सीखिए, अपनी धुंध दूर करिए जी। लगाइए आज छोड़िए अभी, ठीक है बाद में देख बस जी। तो क्या पाया गया, इनसे क्या जब्ती हुई है, इनसे क्या जब्त किया आपने? जब्त कुछ भी नहीं, इनके द्वारा केवल पकड़ के मेमोरेंडम बताया, केवल मेरे द्वारा पकड़ा गया है। नहीं, वो तो मेमोरेंडम में आ गया, मेमोरेंडम 27 के मेमोरेंडम की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है?
इन्होंने बता दिया पकड़ा गया, मैंने पकड़ा तो बाकी आपने सीसीटीवी कैमरे में इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जी? नहीं यस सर। आप लोगों की तो प्रसिद्धि विदेश तक है कि अमेरिका का अगर वो खरे साहब रम्सफील्ड था क्या था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था सर, अब ये जजमेंट आया इन जो क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए जो ड्राफ्ट रूल्स बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा 2021 में रिपोर्टेड हो जाए द ड्राफ्ट रूल्स हैव बीन फ्रेंड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, गाइडलाइंस हैव बीन इशूड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। अब वो ड्राफ्ट रूल वेदर दे हैव बीन अडॉप्टेड बाय आवर हाई कोर्ट और नॉट मुझे भी नहीं मालूम सर, अभी जी ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन अब उसमें सर इनफैक्ट पुलिस मैनुअल में अमेंडमेंट्स करने की बात करी गई है और हाई कोर्ट को ड्राफ्ट रूल्स अडॉप्ट करने हैं ये एक टाइम लिमिट दिया गया था। अब आई डू नॉट नो वेदर हाई कोर्ट हैज आल्सो अडॉप्टेड दैट और नॉट, एनी माय कंसर्न इज डिफरेंट दैट दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली व्हिच इज रिजल्टिंग इन फॉल्सली इंप्लीकेटिंग सेवरल इनोसेंट पर्संस, इट इज बोथ दिस सर, implicating the innocent persons and exonerating the guilty persons, it is both ways. In fact this part of there is a double edged weapon ji, likhiyega wo sir bas itni si baat hai, inhone pakda tha jinse koi japti nahi hai, chak kya uske chot kya pai gayi sharir mein, matlab Atul Tiwari ji ke sharir mein kya chot pai gayi, bullet usme bilkul neel ke nishan the, neel bil ke bilkul maarpeet ke nishan the aur bleeding bhi thi aur isko thand ka samay tha तो ये उसको मतलब मारपीट करके वहीं छोड़ के आ गए थे पटरी के पास। नहीं नहीं वो तो ठीक किया, तो उसकी मृत्यु का कारण क्या बताया है? 2021 पार्टी का नाम बता दीजिए, मैं ट्रेस कर लूंगा। इन रेफरेंस गाइडलाइंस फॉर क्रिमिनल ट्रायल्स एंड इन्वेस्टिगेशन करके एंड दैट इज नाउ रिपोर्टेड इन एसईसी। ठीक है मैं ठीक हूं, थैंक यू। जो गाइडलाइंस दिए होंगे बहुत कुछ दिए, और फिर सेक्शन 20 जब एविडेंस रिकॉर्ड होती है उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 27 में तो बोला है कि यू विल ओनली रिकॉर्ड दैट पार्ट व्हिच इज एडमिसिबल, आप ये नहीं कि मैंने मारा है मैंने ये करा है मैंने वो करा है जो लंबा चौड़ा सब कर लेते हैं वो, तो इसके अंदर अलग से उन्होंने दिया जी, ठीक है आज ही मैं पूछता हूँ इसको कि इन्होंने अडॉप्ट किया है कि नहीं किया है, क्या किया है उन्होंने, कहा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट एंड फ्रेम दीस ड्राफ्ट रूल्स बिकॉज़ दीस आर मेनली ड्राफ्ट रूल्स, आई विल फाइंड आउट टुडे इटसेल्फ जी जी। वो मृत्यु का कारण क्या लिखा है? शॉक एंड हेमरेज सर एज अ रिजल्ट ऑफ हेड इंजरी। हेड इंजरी, वो हेड इंजरी किस चीज से पहुंचाई गई है? डंडे से, बंदूक से, पत्थर से, किस चीज से पकड़ी गई पहुंचाई गई है? ये क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं हो क्योंकि उनमें जो मेमोरी आपको जांच आपकी जांच नहीं की आपने, ये तो आपको क्लियर करना चाहिए था कि किस चीज से पहुंचाया गया है। आई विल नॉट राइट ऑल दिस, आई एम जस्ट आस्किंग यू, पर सिर्फ इनका मेमोरेंडम हाथ पकड़ने का है। किसी भी एक्यूज से आपने कोई हथियार जब्त किया है? माय लॉर्ड उन्होंने हथियार से नहीं मारा, उन्होंने बेल्ट और लात घुसे और बेल्ट जब्त की है आपने, बेल्ट और क्या लात घुसे बेल्ट किसका आया स्टेटमेंट लात घुसे का? लॉर्ड इनके इसके जो कपड़े थे जो कपड़े पहना था जो सीसीटीवी में दिख रहा वो कपड़े भी इनसे जब्त हुए हैं। किसके? इनसे नहीं, इनसे नहीं जो और अरे इनसे क्या जब्ती हुई है, हम तो 27 के मेमोरेंडम पे इनके बारे में कंसर्न, इनसे कोई जब्ती, इनसे जब्ती है। लिखिएगा श्री जफर खान लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, श्री संतोष यादव लर्नेड डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट अलोंग विद द आईओ ऑफ श्री विजय राजपूत जी। और कुछ कहना है आपको जी? कहना है तो बताइए। मलोट इसमें मलोट जो आकाश सुनी है मलोट, जो सीसीटीवी फुटेज का जो पंचनामा है उसमें मलोट ये इसमें क्लियर आया मलोट कि उसने ये देखा कि ये लोग हैं, ये उसने पहचाना है तरुण पटेल। तरुण पटेल तो स्टार्टिंग पॉइंट में स्कूटी पे बैठा के ले जाते हुए पहचाने गए, तो लास्ट सीन की एविडेंस हो गई तरुण पटेल के खिलाफ, ठीक है ना? और
और तरुण पटेल ने अपने मेमोरेंडम में इनका नाम दिया जी। केस क्राइम नंबर 837, ये कौन सी है, सेकंड है, फर्स्ट बेल है, बेल एप्लीकेशन इतना है। क्राइम नंबर 837/2021 इज रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन दमोह, देहात, डिस्ट्रिक्ट दमोह, फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 302.34.201 आईपीसी। एप्लीकेंट इज इन कस्टडी सिंस 10/11/2021। He submitted that applicant is innocent. He has been falsely implicated on his own memorandum and that of co-accused Tarun. Full stop. It is submitted that no recovery has been made from him and even the CCTV footage at Mahakali Chowk has not been used to identify the persons who have been seen, who have been shown in the CCTV footage. Full stop. IO of the case admits that he had seen a CCTV footage wherein Atul was taken by Tarun on his red color scooty and thereafter at Mahakali Chowk. CCTV footage is blurred. 7-8 persons are shown, but who is beating the deceased is not seen. Footage is from a distance and is blurred. Full stop. He admits that except for the memorandum of the present applicant saying that he had caught hold of the deceased, there is no other material to connect the applicant. Death of the deceased is shown in the postmortem report due to head hemorrhage resulting from head injury. Full stop. No recovery is made. Full stop. No recovery is made from the present applicant. Full stop. Shri Santosh Yadav, learned deputy government advocate, submits that cloth, blood-stained clothes have been recovered from certain other persons, other co-accused persons, but admits that no recovery of any cloth of the deceased or blood-stained clothes of the present applicant or any other material so to directly implicate the applicant or to corroborate the evidence which has been led on a memorandum under section 27 is brought on record. Full stop. Investigation is complete. Charge sheet is filed. Trial is going to take time. Applicant is in custody for about 9 months, for about 10 months. IO admits that there is no direct material to implicate the present applicant. Without commenting on merits, 50,000 to sureties.